Very, very excited and first of all very grateful that I am invited to be a part of this. And yeah, it looks really nice. So many lovely, beautiful faces here, so many famous people, and nice to be around with them and dressed up. No, I feel like talent is talent. चाहे वो जिस भी प्लेटफॉर्म पे, जो भी मीडियम पर हो, चाहे वो फ़ोन पे हो, बड़े पर्दे पर हो, टीवी पर हो, आप सब ने मुझे टीवी पर देखा है, साउथ की फिल्मों में देखा है, तो एक्टर तो अपनी परफॉर्मेंस हर जगह कर सकता है. हमें मुद्दा ये है कि हमारी ऑडियंसेस एंटरटेन हो. और अगर आज ये जो इवेंट है, ये सभी इन्फ्लुएंसर्स के लिए है, तो मुझे लगता है इट्स वेरी नाइस कि उन्हें प्रोत्साहन मिले. एंड नाइस टू बी अ पार्ट ऑफ इट. मैं भी उसे प्रमोट करूँगी. कहीं ना कहीं मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, चाहे टीवी के जरिए, चाहे फ़ोन के जरिए, चाहे फिल्मों के जरिए. मैं चाहूँगी कि मैं हमेशा एक अच्छा इन्फ्लुएंस रखूँ सोसाइटी पर. हाँ जी. देखिए, मैं तो पैदा ही हुई हूँ इस इंडस्ट्री में. 7 साल की उम्र से एक्टिंग कर रही हूँ, तो मैं हमेशा अपने लेजेंड्स और अपने आइडियल्स को अपने सामने देखती आई हूँ. मैं हमेशा से प्रियंका चोपड़ा से बड़ी इंस्पायर्ड रही हूँ, दीपिका पादुकोण से. तो मेरे लिए वो इंस्पिरेशन है. और जिस तरह से भी अपनी यू नो लाइक द सोशल मीडिया इज़ ग्रोइंग, इट्स वेरी नाइस. कई सारे टिकटॉकर्स भी हैं, कितने रीलर्स हैं, सो विच इज़ नाइस. आई फील लाइक फैशन बहुत ब्लेंड हो रहा है, अलग अलग सोच मिल रही है, कितने सारे डांसर्स फेमस हुए हैं, सो इट्स अ फन थिंग. मेरे ड्रेस के बारे में, ओके, आप सब मुझे शायद आप कुछ लोग मुझे इस वक्त स्टार प्लस के शो बनी चाओ होम डिलीवरी में देख रहे हैं रोज़ 9 बजे. और मेरी साउथ की एक फिल्म आई है अभी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे, मॉडर्न लव हैदराबाद. तो आप मुझे अपनी दुआएं दीजिए. तेलुगु फिल्म और टीवी इंडस्ट्री साथ साथ चल रहा है, एंड आई होप आई मेक इट टू द बॉलीवुड सो. थैंक यू सो मच.